अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैं सही कह सकते हैं कि टमाटर और काली मिर्च वाले आलू बहुत ही मज़ेदार झटपट 5 मिनट में तैयार होने वाले। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर जो है वो आलू ले लिए हैं। 3 से 4 आप दरमियानी साइज़ के आलू ले लेंगे, कुछ तरीके से छोटा छोटा कट कर लेंगे। फिर ये करना, यहाँ पर मैंने जो है वो 3 टमाटर ले लिए, उनको मैंने इस तरीके से काट के डाल दिया है। फिर मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी 3 अदद। अब ये करना है कि हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, इसके ऊपर अपना पैन रख देंगे। इसके अंदर अब हमने ऐड करना है ऑयल। ऑयल हम ऐड करेंगे पूरा जो है वो 1/2 कप। ये जितना आप अपने खानों में पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जो मसाला जाएंगे वो है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और जो दूसरा मसाला इसके अंदर जाएगा वो है काली मिर्च। बस ये काली मिर्च 1 टीस्पून आप भर के डाल देंगे। बस ये 2 मसाले और बहुत ही सिंपल सी चटपट बनने वाली रेसिपी है। अब क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि जितने मसाले वगैरह जो है वो आपस में कम्बाइन हो जाएँ। फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। इन सारे मसालों को जब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो उसके बाद जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। थोड़ा सा ऐड इसलिए करेंगे, बाकी जो है टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे। पानी ऐड कर दिए बिल्कुल थोड़ा सा ऐड, क्योंकि टमाटर अपना खुद पानी छोड़ेंगे। जिसमें देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया, मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू आधे गल जाएं और जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट होंगे तो अब हम एक तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स करना, हल्का सा भूनना ताकि जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं ये मिक्स हो जाए, इनका मैश हो जाए और इसका जो पेस्ट टाइप का बन जाए और ये खड़े खड़े टमाटर हमें नज़र ना आए। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इस तरीके से टमाटर मैश हो चुके हैं। अब क्या करना है कि आपने इसको अगेन कवर करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि आलू अच्छे से गल जाए और हमारा सालन डन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार झटपट सालन रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरे धनिया के साथ। तो यहाँ मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है वो टमाटर वाले आलू की सब्ज़ी डन हो चुकी है। टमाटर काली मिर्च वाले आलू कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार झटपट, इतने क्विक बनते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि जब आप बनाएंगे तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर ऐसी पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।